उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, हमें चाहिए चावल, हमें चाहिएगा मोटा आटा चोकर युक्त बिना छना हुआ, ध्यान रहे इसमें कुछ कीड़ा कचरा ना हो, और हमें चाहिएगी सूजी, और हमें चाहिएगी शुगर यानी कि चीनी। सबसे पहले जो है ऑन करेंगे इसको, ऑन करने के बाद प्लेट को रखेंगे, इसका टेयर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए पेट्स केयर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको वीडियो मिलेंगे सबसे पहले सबसे जल्दी। 100 ग्राम डालेंगे आटा, हो गया, और 50 ग्राम डालेंगे सूजी, होगी। उसके बाद डालेंगे इसमें 50 ग्राम चावल, और ये सब मिश्रण जो है इस मिश्रण को सबको मिक्सी में घुमा लेंगे। उसके बाद हमें चाहिएगा शुगर, शुगर जो है ये 30 ग्राम शुगर होगी, ठीक है जी। तो पहले इसको मिक्सी में करेंगे, मिक्सी में घुमा के इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखना है, और फिर इसको भूनेंगे पैन के अंदर, भूनेंगे इसके अंदर, और ध्यान रहे चीनी इसमें भूनने के लिए नहीं भूननी है, सबसे बाद में मिलानी है, ये जो शुगर पाउडर होता है तो बंद कर देंगे। अब इसको मिक्सी में जो है घुमाएंगे, इसको जो है घुमाएंगे। चेक करेंगे ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। अभी जो है चावल जो है मोटा है, अभी एक पेपर लेंगे साफ पेपर बिल्कुल, और ये लेंगे छन्नी,
छन्नी में जो है इसको छान लेंगे। यदि आपका पप्पी जो है एक महीने से कम है तो उसको बारीक होना चाहिए, यानी बिल्कुल बारीक नहीं, और जो बड़ा है तो थोड़ा मोटा रख सकते हैं। ये बिल्कुल एक सार होना चाहिए जिसको उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत ना हो, और थोड़ा बहुत जो कचरा रह गया है वो इसमें निकल जाएगा। तो ये छानेंगे, ये बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा सेरा लैग आता है। जो मोटा इसके अंदर कुछ चावल रह गया है, मोटा चावल वो इसमें नहीं डालना है, ध्यान रहे, ये अलग करना है। अभी भी इसमें जो है शुगर पाउडर नहीं मिलाना है, इसको हमें भूनना है आग के ऊपर। तो पहले चावल बचे हुए हैं ये निकाल लेते हैं। चले आएंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसको जो है भूनने के लिए थोड़ा रख देंगे। कच्चा सही नहीं होता है क्योंकि डाइजेस्ट होने में समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि छोटा बच्चा है तो आप मीठा और भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मीठा नहीं देना चाहिए डॉगी को, बकरी को। और थोड़ा फ्लेम कम कर देंगे। इसमें थोड़ी अब भूनने की महक आने लगी है, तो बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही बहुत है, ब्राउन नहीं करना है, ब्राउन से नीचे ही रखना है। ये हमने इसलिए करा है जिससे थोड़ा सा वो डाइजेस्ट करने में कोई समस्या ना हो। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्लेम बंद कर देंगे और उसे हिला देंगे कि जले ना। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके अंदर आप शुगर यानी कि शुगर पाउडर डाल देंगे। दोस्तों अब ये जो है ठंडा हो गया है, अब इसमें है शुगर डालेंगे। यदि आपका पप्पी छोटा है, एक महीने से कम है या दो महीने से कम है, तो इसको जो है बारीक छन्नी में छानना है, बिल्कुल कपड़े में नहीं छानना है, तो मतलब
छोटे पप्पी को ज्यादा मोटा नहीं देना है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे ही निकाल देगा फिर पोटी के रास्ते से। तो इसमें आपको छान लेना है, यदि आपका बड़ा पप्पी है 2 महीने से ऊपर है तो आपको नॉर्मल आटा छानने वाली छन्नी में छान लेना है। अब ये हमारी शुगर है 30 ग्राम, इसके अंदर शुगर डाल देंगे। ये आपका तैयार हो गया, आप चाहे तो इसको टेस्ट खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। मीठा है मगर इतना है जितना चाहिए। तो इस प्रकार आप भी अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, दिखाते हैं आपको। मैंने फॉर्मूला लिया है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या चीज के अंदर पड़ी हुई है, वही देख लिया है मैंने भी। और ये 300 ग्राम का पैकेट जो है 185 का आता है और हमारी जो है 20 रुपये की लागत भी नहीं लगी। तो 20 रुपये की लागत में हमारा लगभग 200 रुपये का आइटम तैयार हो गया। तो ये अपने पप्पी को जो आप उसकी खुराक के हिसाब से दीजिए, सेरेलैक वाले कहते हैं कि 3 चम्मच 75 ml पानी के अंदर उसकी खुराक के हिसाब से पहले शुरू में जो है आप उसको 1 चम्मच दीजिएगा। फिर वो डाइजेस्ट कर लेता है तो धीरे धीरे उसकी खुराक आप बढ़ाइएगा, एकदम नहीं देना है क्योंकि जब भी खाना बदलते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, तो हल्का रखें वो दें। इसको देने के लिए थोड़ा गर्म दूध गर्म करेंगे, गाय का बकरी का दूध ले सकते हैं और इसको डाइजेस्ट हो जाए थोड़ा सा पानी डालेंगे ज्यादा मुंह पर। ये आपका जो है लगभग हो गया है। अब इसके अंदर ज्यादा नहीं देंगे शुरुआत में, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे इसको। बिल्कुल ऐसे ही गांठे पड़ रही जैसे सेरेलैक के अंदर पड़ती हो, तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसको लगभग 15 मिनट पहले देने से, 15 मिनट पहले थोड़ा गुनगुने गर्म दूध में या पानी में दे सकते हैं डाल लें। आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल दूध की तरह, सेरेलैक की तरह दूध की तरह हो गया है। थोड़ी देर इसमें रखेंगे तो इसके जो कण है वो फूल जाएगा और खाने में टेस्ट भी होगा, डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। इसको 15 मिनट तक ऐसे करेंगे। अब ये तैयार हो गया है, देख सकते हैं इसमें आप बिल्कुल सेरेलैक की तरह ये हो गया है। ये देखिए तो इसको मिक्स कर देंगे, बहुत टेस्टी लगता है ये। हिरेक देख सकते हैं कितना परेशान है। कितना टेस्ट टेस्ट लेके खा रहे हैं बिल्कुल, ये पप्पी आपका बहुत टेस्टी लगता है। इस प्रकार आप भी अपने घर पे बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।